गाइस वेलकम टू अनदर व्लॉग। तो भाई साहब बच्चों के फिलहाल प्रोजेक्ट चल रहे हैं। एवरीथिंग दैट यू डिड दैट यू सेड। ये हमारे पास छोटे बच्चा है, नाम क्या भाई साहब का? अमन। ये अमन भाई है और कौन सी क्लास में हो? 7। भाई साहब कह रहे हैं मेरे पड़ोसी ही हमारे प्रोजेक्ट बना दो। तो भाई सियाने के हिसाब से वैसे भाई साहब कुछ सामान लेकर आए हैं। हां भाई क्या लेकर आए हो अमन भाई? तो ओए वाह भाई वाह, देखिए पैसा ही पैसा हो गया। निकाला जरा क्या क्या इसमें। ओए होए, अरे भाई ये तो चार्जर किट होगी। और ये है सॉकेट 5 पिन, पावर बैंक मॉड्यूल, एसपीएसटी स्विच ये इसका है, ये है कुछ एलईडी और भाई साहब स्क्रू है। भाई साहब सारे चीजें ले आए हैं। पर तुम तो बड़े हैवी ड्राइवर निकले भी, जो बात है। किस चीज में इंटरेस्ट है? इलेक्ट्रॉनिक्स में। इलेक्ट्रॉनिक्स। तो भैया मैं सोच रहा हूँ कि मिलके एक छोटा सा प्रोजेक्ट बना लें जो कि साइंस प्रोजेक्ट होगा। इन चीजें नहीं बनेगी फ्रेंड, आप जानते हो भाई ये बिल्कुल अलग है ना। तो हम अपना चीज यूज करेंगे। देखो भाई ये क्या लिया है, T-882 ट्रांजिस्टर लिया है। चलो भाई साहब हम खुद बनाते हैं, चलिए शुरू करते हैं। तो भाई साहब आज के लोग में काफी मजा आने वाला है, चलेगा थोड़ा थोड़ा सा सामान इकट्ठा करते हैं। तो भाई साहब इसके लिए हम ले सकते हैं ये MDF बोर्ड, मेरे अच्छी तरह आएंगे। MDF बोर्ड, बच्चा 7 क्लास का है, छोटा बच्चा है, इतनी समझ नहीं है। बहुत सिंपल प्रोजेक्ट बनाएंगे जिससे स्कूल में जाके भी बच्चा समझा सके। गाइस मैं भी जल्दी समर एक्सपर्ट पर एक वीडियो अपलोड करने वाला हूं साइंस से रिलेटेड। मैंने एक प्रोजेक्ट बनाया, बहुत मस्त प्रोजेक्ट है, वो थोड़े बड़े क्लास के लिए है। ये छोटा बच्चा है तो इसके लिए मैं छोटा सा प्रोजेक्ट बनाऊंगा, आप भी देखते रहिए, क्या पता गाइस आपके काम आ जाए। और गाइस दूसरी चीज यहां पर लेंगे एल्युमिनियम फॉयल, और इस MDF बोर्ड की जगह ये नहीं है तो गाइस कार्डबोर्ड भी ले सकते हो, है ना, ये जरूरी नहीं है। भाई मैंने 8x6 का एक MDF बोर्ड का पीस कट किया है। तो भैया यहाँ पर दो बैटरी डबल ए साइज की है, 1.5 वोल्ट की एक बैटरी होती है, तो 3 वोल्ट हो गए दोनों। एक बैटरी है 1.5 वोल्ट यानी कि 1.5 वोल्ट, अगेन हम सीरीज में लगाएंगे तो 3 वोल्ट, और पैरेलल में लगाएंगे तो 1.5 वोल्ट रहेंगे। लड़का समझदार है। तो भैया हम जो बना रहे हैं वो थोड़ा अलग डिजाइन के बना रहे हैं। तो भाई मुझे इसका बनाना है पावर हाउस। प्रोजेक्ट कब है? कल। बच्चे का प्रोजेक्ट कल है और भाई साहब आज बता रहे हैं। वैसे मेरे पास एक दो दिन पहले आए थे लेकिन यार टाइम की बात है ना, टाइम नहीं मिलता भाई, क्या करें। कुछ टुकड़े ले लिए हैं, यहाँ पे कुछ दो सेल ले लिए, आप लैपटॉप की बैटरी मोबाइल की बैटरी का भी यूज कर सकते हो। इसे क्या कहते हैं? ग्लू गन। और इसे क्या कहते हैं? सोल्डरिंग आयरन। तो भैया मैं छोटे बच्चे के हिसाब से बना रहा हूँ, वरना तो अच्छे से घिसता और अब करता, वैसे अभी ठीक है, ऐसी बात नहीं है। ये एक और शीट का पेपर और इसे हम इसको ऊपर चिपकाएंगे, इसे थोड़ी सी अच्छा लगे ना फिनिशिंग आ जाएगी। ये गोबर सा अच्छा नहीं लगा बिल्कुल भी। तो भैया इसे चिपकाना काफी इजी है। लेंगे भाई फेविकॉल, फर्स्ट टाइम खुलेगा, सन 2005 का है। ये इसका माइनस है और ये इसका प्लस है, ठीक है। नेगेटिव पॉजिटिव तो बैटरी में होता है, इन्वर्टर बैटरी में देखा होगा। ये कौन सा? नहीं ये पॉजिटिव। बच्चे समझदार नहीं है, बच्चे समझदार हो रहे हैं, समझदार काम करना है। देखो ये कौन सा? पॉजिटिव। चलो पॉजिटिव ठीक करिए, नेगेटिव। जब यह है भैया पॉजिटिव और यह है नेगेटिव, तो लड़के ने बिल्कुल ठीक बताया, पॉजिटिव का पॉजिटिव कर दिया। पकड़ो, अभी ना कनेक्ट कर रहे हैं सीरीज में, यानी कि प्लस माइनस का मिला रहे हैं। और यह है टिन वायर, तो भैया तार के नाम पर हम यूज करने वाले हैं ये एल्युमिनियम फॉइल। तार तो सब यूज करते हैं, एल्युमिनियम फॉइल यूज करेंगे, अच्छा कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का। भाई बहुत सिंपल सा प्रिंसिपल है, देखिए यहाँ पर मैंने टिन वायर लगाया, कोई आप कॉपर का वायर छील कर लगा सकते हो। एल्युमिनियम शीट को गाइस इस पर सोल्डिंग नहीं होगी। भाई ये है पॉजिटिव और ये रहा इसका नेगेटिव, अभी से बंद कर देंगे। हमें अमन भाई ने ये एलईडी दी थी जो कि 5 वोल्ट की है, हाफ वाट में, थोड़ा पावर जल्दी लेगी। मैं सोच रहा हूँ ये ना लगा एलईडी, है ना। तो भाई ये एलईडी जल रही है कम, ये कम चल रही है। मैं थोड़ा रेड कलर की ये ले लूँ एलईडी, ये काफी मस्त चलेगी जो बात है। हाँ बे वाह देखिए, है ना बड़े वाली, वही से लगाई। तो गाइस बच्चे का प्रोजेक्ट बनकर कंप्लीट हो गया है, बहुत सिंपल प्रोजेक्ट था, हमने वायर की जगह पर एल्युमिनियम फॉइल के यूज किया। ये इसका पावर बैंक, आपको वीडियो थोड़ा सा आई थिंक ब्लैक चमक रहा होगा, थोड़ा सा ग्रे टाइप का, लेकिन ये बिल्कुल साफ है, थोड़ा यहाँ पे फेविकोल के धब्बे लग गए ना तो ये कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर हमने कोई भी इस तरह का स्विच यूज नहीं किया, भैया एलईडी लाए थे और स्विच लाए थे, हमने इनका यूज नहीं किया, हमने अपना स्विच बना। देखिए भाई साहब देखिए क्या मस्त चल रहा, देखिए टच कर दे देखिए। तो भाई ये इसका पावर हाउस है, ये यही लाइन, और देखो भाई सर्किट पूरा हो जाएगा, देखिए तो भाई जल जाएगा, बहुत मस्त काम करेगा। उंगली से आप आराम से चला सकते हो। कैसा मजा लगा बच्चा? बढ़िया बढ़िया लगा। तो अपने स्कूल ले जाना आराम से, ठीक है, बहुत सिंपल हो, समझा दोगे ना? कैसे कैसे बताओ, कैसे कैसे समझाओगे? ये क्या है? ये इसका पावर पैक है और यहाँ पे लाइन जा रही है ना, और ये क्या? एलईडी लाइट। और ये इसका स्विच है एक तरह का, है ना, देखिए यहाँ पे देखो दबाओ इस बटन को, देखिए चल गया,
हाँ छोड़ती है ऑटोमेटिक चालू हो जाएगा। देखिए अगर मैं ये वाली एलईडी लगाता ना तो ये बहुत जल्दी इस बैटरी को डाउन करती थी बहुत जल्दी। ये एलईडी काफी कम आई थिंक 20-30 मिली एम्पीयर मतलब बहुत ही कम, तो ये काफी समय तक चल जाएगी। और ये छोटा सा बच्चे का सिंपल सा प्रोजेक्ट बना दिया है और ये बच्चे का सारा सामान अपना घर ले आए आराम से और खूब आराम से यूज करो खेलो। भैया बच्चा भी खुश, अमन भाई खुश और हम भी खुश। समझ में आ गया ना कैसे कैसे क्या चीज एक्सप्लेन करनी है सब। लेकिन अगली बार याद रखे अपना प्रोजेक्ट खुद बनाना है ठीक है, चाहे यहाँ पर बना लेना ठीक है। तो भैया सब अपना अपना प्रोजेक्ट बनाए और बच्चे के साथ ये प्रोजेक्ट बनाना काफी अच्छा लगा है, बच्चे ने काफी हेल्प किया है साथ दिया है, थोड़ा सा यार ये है कि टाइम बीत जाता है बच्चों के साथ अच्छा लगता है। तो फ्रेंड्स आई होप ये व्लॉग आपको अच्छा लगा, तो प्लीज वीडियो को लाइक करें और भाई सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और भाई जरूर बताएं ये व्लॉग आपको कैसा लगा। थैंक यू सो मच दोस्तों, जल्दी मिलते हैं, बाय बाय कर दो, चलो बाय बाय।